आप पूरी की पूरी रिपेयर कर सकते हैं, और ये आज की नीड है, आज की जरूरत है। छोटे से छोटे घर से भी आपको बाइसाइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, एक्टिवा मिलेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिलेगा दोनों के पास। तो आज समाज की ये जरूरत है। तो आपने ये बच्चों को शिक्षा देनी है, हम तो देंगे ही देंगे, हमारे संदीप जी हम तो देंगे ही देंगे। आपका भी फर्ज बनता है, जो किट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको दिया जाएगा, आपने बच्चे से पूछना है इसका सदुपयोग किया है या नहीं किया, या वैसे ही थैले में थैले रखा हुआ। क्योंकि हमारे पास यहाँ स्कूल के अंदर गाड़ी का इंजन से लेकर छोटी छोटी चीजों तो रखी हुई है, और संदीप जी उसके माहिर है। तो ये यहाँ पे इनको प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाते हैं, थ्योरी के माध्यम से भी सिखाते हैं। आपका सिर्फ माँ बाप का फर्ज ये है कि ये जो किट दिया है कि तूने इसका प्रयोग करना आया भी है या नहीं आया। अगर आपका बच्चे ने इसका प्रयोग करना सीख लिया, तो यहाँ उस शिक्षा के साथ साथ ये जो गाड़ियों की शिक्षा है वो भी आपके बच्चे को मिल जाएगी, और बच्चा अपनी दुकान खुद भी खोल सकता है, और दो तीन अपने असिस्टेंट भी रख सकता है, खुद के रोजगार के साथ साथ दो तीन बच्चों को रोजगार को भी दे सकता है। अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि दूसरे को रोजगार दिया जाए, तो हमारी ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज हैं, उसमें आपके बच्चे को नौकरी भी मिल सकती है, और बड़ा ही टैलेंटेड वर्क है। आपने देखा होगा हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर बाइक जरूर है, मोटरसाइकिल जरूर है, साइकिल का जमाना तो लगभग चला ही गया, जबकि ये टूलकिट साइकिल में भी प्रयोग होता है। दो तीन चीज ऐसी है कि इसके अंदर साइकिल के अंदर प्रयोग करोगे तो आप फिट बैठ जाएंगे, और गाड़ियां तो आपको पता ही है। मैकेनिक के पास बाइक लेके जाते हैं, कहता है कि 200 रुपए मेरे सर्विस चार्जेज हैं, जो सामान आपका लगेगा वो अलग है, तो 200 तो तभी बन गए आपके। गाड़ी लेके जाएंगे तो कहेगा मेरे 300 रुपए 400 रुपए सर्विस चार्जेज है, बाकी जो सामान डालूंगा उसका अलग है। तो आप ये खुद ही अंदाजा लगाइएगा, जब आपका बच्चा कोई दुकान खोलेगा इसकी, तो कितने पैसे कमा सकता है। अगर दो बाइक भी आ गई तो 400 रुपए तो सिर्फ सर्विस की है, और आप लोग जो मजदूरी करते हैं उसमें 300 रुपए भी टूटता है। 300 रुपए में मकान मालिक कहेगा कि पूरा दिल लगा रहे, पूरा खून और पसीना निचोड़ के आपको कमाई देगा, और इसमें खून पसीने की कोई बात ही नहीं है। तो इससे अच्छा साधन हो ही नहीं सकता, ये गलत तो नहीं कर रहा भैया। जिसकी जहां जाओगे आप, मोटरसाइकिल लाल हो जाती है, गाड़ियों की लाल हो जाती है।